खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। हैशटैग मी टू कैंपेन इन दिनों देश में जबरदस्त दस्तक दे चुका है। हॉलीवुड के बाद हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मी टू कैंपेन के तहत कई महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई है। नाना पाटेकर, आलोक नाथ, साजिद खान, विकास बहल, पीयूष मिश्रा, शक्ति कपूर समेत अब कई बड़े सितारों पर आरोप के मामले सामने आ चुके हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले साजिद खान की। फिल्म मेकर साजिद खान पर उनकी एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर सलोनी चोपड़ा ने गंभीर आरोप लगाए। सलोनी ने एक वेबसाइट पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपनी आपबीती सुनाई है। इसे उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने बताया कि साजिद उनसे अश्लील फोटो मांगते थे और बलगर बातें करते थे। साजिद की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। वहीं साजिद खान पर दो और महिलाओं ने भी उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। बात करेंगे पीयूष मिश्रा की। पीयूष मिश्रा पर भी अब दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। एक महिला पत्रकार का आरोप है कि पीयूष मिश्रा ने नशे की हालत में उनके साथ गलत व्यवहार किया। उनके ऊपर लगे इन आरोपों पर पीयूष मिश्रा ने पीटीआई से कहा कि मुझे ये घटना याद नहीं है क्योंकि मैं शराब के नशे में था, लेकिन फिर भी मैंने यदि अपने शब्दों या हरकतों से महिला को असहज महसूस कराया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। बात करेंगे सुभाष घई की। फिल्मकार सुभाष घई पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला के अनुसार सुभाष घई ने होटल में उनका रेप किया। इस मामले में सुभाष घई ने सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोप झूठे बताए। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है कि बिना किसी सत्य या अर्ध सत्य के पुरानी कहानियों को लाकर किसी व्यक्ति को दुष्ट बताना फैशन बनता जा रहा है। मैं ऐसे सभी आरोपों को पूरी सख्ती से खारिज करता हूं। मैं निश्चित रूप से मानहानि का केस करूंगा। बात करेंगे सुहेल सेठ की। सेलिब्रिटी कंसल्टेंट और लेखक सुहेल सेठ पर मी टू कैंपेन के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चार महिलाओं ने उन पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। चारों में से एक का कहना है कि घटना के वक्त वे नाबालिग थीं, जब सुहेल ने उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया था। बात करेंगे मोहन वीणा प्लेयर विश्व मोहन भट्ट की। मोहन वीणा प्लेयर विश्व मोहन भट्ट पर भी छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की रहने वाली एक महिला सुकनित कौर ने उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जब वो 14 साल की थी तो विश्व मोहन भट्ट ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। उन्होंने कहा कि भट्ट ने उनके स्कूल में परफॉर्मेंस किया था और मैं गाना बजाने वालों का हिस्सा थी। वहीं भट्ट के बेटे सलिल ने सभी आरोपों का खंडन किया है। भट्ट को संगीत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान ग्रेमी सम्मान मिल चुका है। बात करेंगे शक्ति कपूर की। गोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बिना नाम लिए मी टू के तहत सीनियर बॉलीवुड एक्टर पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा की शूटिंग के दौरान लव मेकिंग सीन्स फिल्माते हुए सीनियर एक्टर ने छेड़छाड़ की। पूनम का आरोप है कि बेड सीन फिल्माते वक्त वे ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे हम असल में बेडरूम सीन्स दे रहे हों। मैं काफी असहज महसूस कर रही थी। बता दें कि इस मूवी में पूनम के अपोजिट शक्ति कपूर हैं। पूनम ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बस इतना कहूंगी कि उनकी बेटी भी मेरी उम्र के बराबर है। बात करेंगे अनु मलिक की। सोना महापात्रा ने एक फोटो जर्नलिस्ट और सिंगर कैलाश खेर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उन्होंने अब अनु मलिक को भी लगातार अपराध करने वाला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनु मलिक कैलाश खेर की तरह अपराधी थे। हालांकि अनु मलिक किस तरह के अपराधी थे उन्होंने खुलासा नहीं किया। सोना ने कहा कि वह कहे सुने के आधार पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अन्य कथित अपराधों के नाम ले सकती हैं, उन्हें शर्मिंदा कर सकती हैं, लेकिन ये अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि हमें तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी हो या फिर व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। मैं हर किसी के बारे में ट्वीट नहीं कर सकती। मैं 18 घंटे काम करती हूँ और जीने के लिए जिंदगी है। मैं कहे सुने के आधार पर टिप्पणी नहीं कर सकती। बात करेंगे अभिजीत की। मी टू कैंपेन के तहत सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उन पर पब में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि ये वाकया 20 साल पहले कोलकाता में एक पब में घटा था। अभिजीत ने उन्हें लगभग किस कर लिया था और उनका बायां कान नोच लिया था। बात करेंगे वरुण ग्रोवर की। सेक्सुअल हरासमेंट और कास्टिंग काउच के खिलाफ चलने वाले मूवमेंट मीटू की आंच
गीतकार और कॉमेडियन वरुण ग्रोवर तक पहुंच गई है। उन पर कॉलेज के दिनों में उनकी जूनियर रही एक युवती ने आरोप लगाए हैं। इसके बाद अनुराग कश्यप वरुण के बचाव में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। बात करेंगे मीटू कैंपेन में सुर्खियां बटोर रहे नाना पाटेकर की। मीटू मूवमेंट की गाज देखा जाए तो सबसे पहले नाना पाटेकर पर ही गिरी। तनुश्री दत्ता ने जूम के साथ एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर पर शूटिंग के दौरान छेड़छाड़ और बदतमीजी का आरोप लगाया था। मामला 2008 में हॉर्नो के प्लीज की शूटिंग के दौरान का है। तनुश्री ने कहा था कि नाना पाटेकर जबरन करीब आना चाहते थे, वो शूटिंग के दौरान गाने का हिस्सा नहीं थे, बावजूद उन्होंने उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। बात करेंगे चेतन भगत की। मशहूर लेखक चेतन भगत पर दो महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। शीना नाम की एक महिला ने 6 अक्टूबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर चेतन के साथ हुई व्हाट्सएप बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसके बाद चेतन ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर पत्नी अनुषा और उस महिला से माफी भी मांगी है। बात करेंगे विकास बहल की। बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशनल टूर के दौरान फिल्म की क्रू मेंबर में शामिल एक महिला ने हफिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में विकास बहल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला ने इस बात की शिकायत फैंटम फिल्म्स के अनुराग कश्यप से की थी, लेकिन तब मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला सामने आने के बाद अनुराग कश्यप विक्रमादित्य मोटवानी ने खेद जताया और माफी मांगी। दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबी है, आगे भी हम इस अपडेट से आपको मुखातिब कराएंगे। आप देखते रहिए खबर स्टेशन।